इतना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। तो चार्ट जी का ये भी लो सर, क्या फोन वाली ना। हाँ ये लो, ये भी काम करो। असाइनमेंट बोल के मध्य प्रदेश से दो थानों का चयन हुआ था, जिसमें से इस थाने का अंडर 10 राष्ट्रीय स्तर पर चयन हुआ है। अभी अपना 10वां स्थान नहीं कह सकते, 10वीं के अंदर अपन अंडर 10 में इस थाने द्वारा स्थान ग्रहण किया गया और मध्य प्रदेश में तो ये थाना अग्रणी रहा है। हाँ सर, भारतवर्ष में जो सर्वे किया गया था थानों को लेकर, किस प्रकार का सर्वे था, किन मापदंडों को इसमें रखा गया था? ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा इस भारतवर्ष में थानों का सर्वे कराया जाता है। इसके लिए विभिन्न विभिन्न एजेंसी उसकी मार्फत से कराते हैं, जिसकी जानकारी थाना स्तर पर नहीं होती। ये थाना के रखरखाव, थाने के रिकॉर्ड, उसके क्राइम, उसकी की गई प्रिवेंटिव एक्शंस, इसके अलावा उसमें उपस्थित महिला कर्मचारी हैं उनके लिए क्या सुविधाएं हैं, लोगों के लिए क्या सुविधाएं हैं, विकलांग व्यक्तियों के लिए क्या सुविधाएं दी हुई हैं, इनके पास अग्निशमन आदि किसी दुर्घटना से बचने के लिए क्या क्या सुविधाएं, इस प्रकार के लगभग 100 क्राइटेरियाज हैं जिनके ऊपर इस थाने का चयन किया गया था, जिसमें लोगों से फीडबैक भी लिया गया था। पुराने अपराधों को किस तरह से आपने खत्म किया? ये मैंने हमारे जितने भी विवेचक थे इन सभी को मोटिवेट करके सबके लिए टास्क दिए थे। डेली गणना में इनकी हमने मॉनिटरिंग की थी, प्रतिदिन सुबह शाम में इनकी जो भी दुविधाएं थी मैंने अपने स्तर पर इन दुविधाओं को दूर करने का प्रयास किया। जैसे कोई रिपोर्ट नहीं आ रही हो किसी बैंक से, किसी प्रशासनिक अधिकारी से कोई रिपोर्ट नहीं आ रही हो, तो उसके लिए स्वयं पहल के जाकर इनको रिपोर्ट्स वगैरह उपलब्ध करवाई और इस तरह इनका जो निकाल का जिसमें गिरफ्तारियाँ बची हुई हैं उसमें स्वयं टीम भेजकर आरोपियों की गिरफ्तारी कराई। इस तरह हमने जो है लगभग 4% से नीचे इस वर्ष अपराध को हम लेके आए। हाँ सर, इतनी बड़ी उपलब्धि मिली है सिविल लाइन थाने को, क्या कहेंगे स्टाफ को आप? बिल्कुल, इसमें सर्वप्रथम तो मेरे अधिकारियों का, इस जिले के पुलिस अधीक्षक महोदय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय और CSP साहब और लाइन के RI साहब और सूबेदार साहब, इन सभी का बहुत योगदान रहा इसके अंदर, और थाने के कर्मचारियों का आरक्षक स्तर तक सभी ने बड़ी लगनशीलता और मेहनत से एक जुझारू जज्बे से काम किया और सभी लोग बधाई के पात्र। सिविल लाइन थाने को जो जिस तरह से एक अवार्ड मिला, किस तरह का अवार्ड, क्या कहना चाहेंगे सर इसको लेके? प्रतिवर्ष भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा एक रैंकिंग जारी की जाती है, जिसमें देश भर के थानों को विभिन्न मानकों पर मार्किंग की जाती है।
अब जो ये सर्वे के बाद रिजल्ट आता है, प्रतिवर्ष जो आईजी डीजी कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी भी शिरकत करते हैं, उस कॉन्फ्रेंस में उन थानों का नाम अनाउंस किया जाता है। इस साल यह कॉन्फ्रेंस जयपुर में हुई थी और उस कॉन्फ्रेंस में देश भर के टॉप 10 थानों का नाम अनाउंस हुआ है। इसमें अत्यंत ही हर्ष का और गौरव का विषय है कि देवास जिले का सिविल लाइन थाना भी टॉप 10 थानों में स्थान बनाने में सफल हुआ है और इसको इसमें स्थान प्राप्त हुआ है। यह मध्य प्रदेश पुलिस और देवास पुलिस के लिए एक उत्साह बढ़ाने वाली बात है और हमें और ये प्रेरणा देगा कि हम जनता की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहें। सर, जिस तरह से सिविल लाइन थाने को आज प्रोत्साहन और इतना गौरव समय मिला, इस तरह से पांचों थाने हैं और आगे भी सर किस तरह से पुलिस इसमें कार्य करेगी? सभी थानों में हमारे जो मानक हैं गुणवत्ता के, उनका सभी का पालन किया जाता है। इसमें जो भारत सरकार की गृह मंत्रालय की टीम है, CCTNS के जो आंकड़े हैं, उन आंकड़ों के हिसाब से कुछ थानों को शॉर्टलिस्ट करती है पूरे देश में और उन्हीं थानों पर भौतिक सर्वे के लिए टीम जाती है। जब टीम भौतिक सर्वे के लिए जाती है तो 40 से अधिक बिंदुओं पे वो थाने का सर्वे करती है, जिसमें आगंतुकों के बैठने की व्यवस्था, महिला फरियादी आती है तो उनके साथ अलग बैठने की व्यवस्था, स्टाफ के लिए कंप्यूटर बैठने का स्थान, रिकॉर्ड का संधारण कैसे है, रजिस्टरों का संधारण कैसे है, प्रकरणों का कितना जल्दी निराकरण हो रहा है, साफ़ सफाई कैसी, इन सभी मानकों पर रहता है सर्वे। और सभी मानकों पे हमारा जब सर्वे हुआ तो उसमें टीम ने मार्किंग किया और लास्ट में जब पूरे देश के सर्वे का रिजल्ट आया तो उसमें सिविल लाइन थाना इसमें स्थान प्राप्त किया है। परंतु हमारे जो अन्य थाने हैं उन थानों में भी उसी ढंग से कार्रवाई चल रही है, सभी थाने बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं।